हेलो दोस्तों, ये मेरा बहुत पुराना 1984 का कैसेट रिकॉर्डर है। उसका नाम है सुपर पावर 240। ये उसका नाम है मॉडल DL733 स्टेरियो कैसेट रिकॉर्डर। उसमें सब 9 बार सब टूट गया था, मैंने अभी फिक्स किया है। उसमें सब ऐसा है, कैसेट उसमें चालू है, अभी तक कैसेट चालू है। उसके अंदर मैंने उसका मैकेनिज्म फिक कर दिया है, कैसेट चालू है। ये इसका अंदर का लुक है, इसका साल लगाया हुआ है, देखो 1987 का है, 1987 में बनाया हुआ है ये। इसका उस टाइम में ये 4440 का IC का बोर्ड उसमें लगाया हुआ है। ये इसके अंदर कैसेट हेड प्री रिकॉर्डर बोर्ड लगाया हुआ, जिससे प्री होके कैसेट चलती है। उसमें ये मैंने चार ट्रांजिस्टर जो B549 के थे, उसको बदल के मैंने SL100 लगा दिया है। उससे आवाज़ क्लीन हो जाता है, अच्छा काम करता है। उसमें खूबी की बात यह है कि अभी तक के मेरे पास 3 4440 के बोर्ड हैं, किसी में 4 ट्रांजिस्टर नहीं है। इस बोर्ड के अंदर 4 ट्रांजिस्टर थे, ये गजब की बात है। उस टाइम करीबन 30-35 साल पहले ये बहुत पॉपुलर था, जब 4440 का IC नया मार्केट में आया था तब। इसका प्री का बोर्ड है, लिखा हुआ है PA मॉडल, इसका साल उसमें लगाया हुआ है। तो इसका साल लगाया हुआ है 1987 का साल लगाया हुआ है। ये उसका पीछे का RCA पिन दिया है, ये बैटरी चलाने के लिए दिया है, तो कैपेसिटर पता नहीं क्या है तो उसमें दिया हुआ है। ये PHX का मॉडल नंबर है, उसका नंबर है। ये उसका इनपुट आउटपुट बैटरी कनेक्टर के लिए दिया हुआ है। ये उसका कंपनी का नाम है PHX इलेक्ट्रॉनिक इंडिया। हर चीज़ पर PXX लिखा हुआ है, उसकी हर चीज़ देखो, उसके ऊपर सब पर PHX लिखा हुआ है, सब पर देखो ये PHX लिखा हुआ है बोर्ड पर, और सब पे PXX लिखा हुआ है। कैसेट का आवाज है, इसका इनपुट का आवाज है।
है।